यूं तो असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कांवड़ियों पर विवादित बयान देकर खलबली मचा दी है। इसी बयान पर पलटवार करते हुए संजीव बालियान ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इतने बड़े सामान नहीं हैं कि उनकी हर बात का जवाब दिया जाए। और क्या कुछ कहा संजीव बालियान ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार बरस रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार टैक्सपेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है। पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पैरों पर मालिश कर रहे हैं। गाजियाबाद में लोहार की दुकानें बंद करवा दी गई हैं और कांवड़ रोड पर पड़ने वाली मेरठ की एक और चौकी से दरोगा का नाम इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो इतने बड़े सामान नहीं हैं कि उनकी हर बात का जवाब दिया जाए। गौरतलब है कि बीती 23 जुलाई को राजस्थान के कुछ कांवड़ियों ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम समुदाय के युवक ने उनकी कांवड़ पर थूक दिया है। ऐसे में उनकी कांवड़ खंडित हो गई है, जिसके बाद कांवड़ियों ने लगातार जमकर हंगामा किया था। इतना ही नहीं, कांवड़ियों के द्वारा चौकी के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी। चौकी के शीशे, दरवाजे और पंखे, सभी चीजें कांवड़ियों द्वारा तोड़ दी गई थी। वहीं ओवैसी के इस ट्वीट के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है क्योंकि चौकी में तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद चौकी के अंदर मरम्मत का कार्य चल रहा था, शायद इसी वजह से नाम वहां से हटा हुआ हो। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं जैसे ही ओवैसी का ट्वीट हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के कांवड़ यात्रा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इतने बड़े सामान नहीं हैं कि उनकी हर बात का जवाब दिया जाए। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती दूरियों पर कहा कि विपक्ष हो चुका है हताश। उन्होंने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी उम्र अभी बहुत है, 20 साल बाद ट्राई करें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं और चौकी इंचार्ज असलम हुसैन का नाम चौकी में मरम्मत कार्य के चलते हटाया गया होगा, जिसको चौकी में मरम्मत कार्य निपटने के बाद दोबारा लिखवाया जाएगा। देखिए, ये जो बात है ये बड़ी भ्रामक है। ये बात सही है कि तोड़फोड़ हुई थी चौकी में, जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तोड़फोड़ में जाहिर सी बात है खिड़की, शीशे, दरवाजे कुछ टूटे थे, कुछ और बोर्ड वगैरह टूटे थे। पुलिस उसकी रिपेयर करा रही है, उसी रिपेयर के क्रम में संभवतः इस तरीके से सब चीज़ों को रिपेयर करा के रिस्टोर कराया जा रहा है। इस प्रकार की बात कहना, इस तरह की बात फैलाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सच्चाई है कि पुलिस जो है उसमें कार्रवाई भी कर रही है और जो उसका विरूपण हुआ था उसको पुलिस रिस्टोर करा रही है रिपेयर के तहत। सर, उसमें जो हंगामा हुआ था उसमें मुकदमा दर्ज करके कोई गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, उस पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और कई लोगों के बारे में हमको साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्यों को पुष्ट करके साक्षी क्रम में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट करके सनसनी मचा दी थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि कांवड़ यात्रा पर सरकार टैक्सपेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है। पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पैरों पर मालिश कर रहे हैं। गाजियाबाद में लोहार की दुकानें बंद करवा दी गई हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली पुलिस चौकी इंचार्ज मुसलमान थे, इसीलिए उनका नाम चौकी के नेम प्लेट से तक हटवा दिया गया था।
मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ियों को लेकर बयान दिया है, उसके जवाब में वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वो इतने बड़े सामान नहीं हैं और उनकी हर बात का जवाब दिया जाए। वहीं तौकीर रजा के द्वारा ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं तक प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, क्योंकि जनता का सीधा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता जिस तरीके से दो बार मोदी जी को वोट देकर उन्हें बहुमत साबित करा दिया है और तीसरी बार भी जनता उन्हें ही बहुमत देकर प्रधानमंत्री के रूप में देखेगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ती दूरियों पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जनता से समाजवादी पार्टी का जुड़ाव नहीं है और अखिलेश यादव की उम्र अभी बहुत बाकी है, 20 साल बाद वो दौड़ में आएंगे। अब देखना ये होगा कि इस बयान के ऊपर आगे क्या राजनीति जारी रहती है। अखबार वाले के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।